बारे में जाने वाले हैं और फिटनेस को लेके कितने कॉन्शियस हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए और द फैक्ट दैट इट प्रमोट्स फिटनेस इज द बेस्ट थिंग एंड यस वी आर गोइंग टू बहरीन टू प्रमोट फिटनेस एंड ऑल्सो द बहरीन द प्लेस इटसेल्फ ऑल्सो द फैक्ट कि वहाँ पे ग्रैंड प्री होने वाली है बहुत जल्द तो हमें फॉर्मूला वन रेस करने का मौका मिलेगा उस सर्किट पे ड्राइव करने का मौका मिलेगा एंड आई एम अ ह्यूज फैनेटिक ऑफ कार्स एंड रेसिंग तो मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट थिंग यू नो दैट्स गोना बी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल टूर एंड अदरवाइज ऑल्सो द फैक्ट कि हम लोग एक फिटनेस फिनेटिक्स के ग्रुप में जा रहे हैं सारे फिटनेस फ्रीक्स हैं और हम सब जा रहे हैं वहाँ पे एंड वील बी डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट्स विच इज़ गोना बी सैंड इन द सैंड ऑन द बीच वर्कआउट्स इन द पूल वर्कआउट्स विल बी इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑब्वियसली दैट वील बी एक्सपीरियंसिंग ऑल द डिफरेंट फूड ऑफ बहरीन दैट एक्साइट्स मी द मोस्ट ऑल्सो बिकॉज आई एम अ ह्यूज फूडी सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप. अच्छा जब फ्री होती है तो कैसे फिटनेस को मेंटेन करती है, जब वर्क पे होती है तो कैसे मेंटेन करती है? मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं अपना डाइट सबसे पहले फॉलो करती हूँ. मतलब अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं फ्री हूँ नहीं हूँ, वन थिंग फॉर श्योर आई मेक श्योर दैट इज माय डाइट इट्स ऑन पॉइंट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे वर्कआउट करने का मौका नहीं मिलता है. सो यहाँ पे बाय मेंटेनिंग डाइट आई काइंड ऑफ नो दैट आई एम इन द राइट डायरेक्शन. ऑल्सो वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई कैरी माई किड्स, मैं अपने स्पोर्ट्स शूज़ लेके जाती हूँ तो मैं होटल में थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ, कभी मौका मिला तो जॉगिंग पे चली जाती हूँ. सो यू नो आई टेक दैट लिटिल बिट एफर्ट फ्रॉम माई साइड. इस बार आप लोग बाहरीन जाने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोपा जाना चाहती है, अगर आपके फैंस के साथ आप शेयर करना चाहें? ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ. वैसे तो मैं यूरोप में काफ़ी घूम चुकी हूँ पर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट इवन मोर एंड येस दैट्स माई फेवरेट प्लेस. So I want to experience more of Europe. एक एक हाँ जो मैं अभी फ्रांस में एक जगह है उसका नाम है कॉशेवल, वहाँ जाना चाहती हूँ. तो आई हैव बीन प्लानिंग टू गो देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम सो आई जस्ट होप दैट हैपेंस सून. आप बोल रहे थे मैं तो अभिनंदन को अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने जो उनकी वापसी है उनके लिए पूरा देश बहुत खुश है और आई एम वेरी प्राउड कि वो वापस आ रहे हैं. सो इट्स अ रियली रियली हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. यस यस ओके. रोहन सबसे पहले तो बहरीन जाने वाले हैं, कितने एक्साइटेड हैं? और जी हाँ, हम सब कल बहरीन जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह बहुत ही एक्साइटेड हूँ. और सबसे एक्साइटमेंट की बात तो ये है कि इस बार कांची के साथ साथ लोपा भी है मेरे साथ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है और बहुत हम प्लान्स बनाते थे हमेशा. या ऑब्वियसली तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हम बहुत प्लान्स बनाते थे हम दोनों लोपा के साथ ही, कुछ मिलते हैं कहीं चलते हैं तो बन नहीं पाता था, तो फाइनली बन रहा है तो बहुत खुश है. और जैसे कि हम सब जानते हैं और मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि मुझे फिटनेस और ट्रैवलिंग दोनों ही बहुत पसंद है. तो कल भी एक ऐसे ट्रिप होने वाला है जिसके अंदर फिटनेस भी है और ट्रैवलिंग भी होने वाली है. और जब आप काम करते हो और आपको जो चीज़ें आप चाहते हो मिले तो उससे अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता. तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तुम बताओ? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज सब अपने लोग हैं, सनी, साहिल, लोपा इज ट्रैवलिंग विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम सो वी आर रियली एक्साइटेड. एंड हम तीनों शायद पहली बार, रोहन और लोपा तो काफ़ी टाइम, मतलब दे हैव बीन इन बिग बॉस सो, बट हम तीनों काफ़ी सारा टाइम काफ़ी प्लान भी हम बना रहे थे पिछले एक दो सालों से, हम बना रहे थे. लेकिन कभी मैं कहीं और था, कभी लोपा कहीं और थी, कभी कांची कहीं और. राइट राइट. सो यस हम तीनों को बहुत मजा आने वाला. आपसे जानना चाहेंगे कि फिटनेस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? सच बताओ फिटनेस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है. फिटनेस इम्पोर्टेंट है बट वर्कआउट करने में मुझे थोड़ा डिपेंड करता है ना, अभी अब बिना वर्कआउट करे फिट इतने हैं तो फिर क्या जरूरत है. बट ऑब्वियसली एक किक मिलती है जब हम ऐसी फिटनेस ट्रिप पे जाते हैं कि यू नो हम चार पांच दिन जब वर्कआउट करते हैं. जब कांची गई थी तो इसने हॉट योगा शुरू कर दिया था, उससे पहले जब गई थी इसी फिटजप के ट्रिप पर तो इसने तब भी कुछ क्लासेस ज्वाइन की थी. तो ये हर बार ही करते हैं लेकिन फिर वो 15-20 दिन भूत होता जाता है. पर इस बार फिर मेरा बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे के बाद ऐसे कुछ बहाने बनते रहते हैं, कभी वैलेंटाइन से कभी बर्थडे. अच्छा क्या सरप्राइज प्लान किया है कांची के बर्थडे के लिए? एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है और उसकी तैयारी चल रही है तो ऐसे ही कहीं और. हम यहाँ नहीं है, हम कहीं और ही है. अच्छा इसके अलावा आप दोनों को अगर कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है, हालांकि आप लोग बहरीन तो जा ही रहे लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप दोनों जाना चाहते हैं? हम पेरिस, बट यू नो हम ऑलरेडी लाइक हम एक जगह जा रहे हैं विच इज नॉट लेस देन अ ड्रीम एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑन माई बर्थडे सो या.
उसके बारे में दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल फ्रंट, आप दोनों की जोड़ी लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और अभी भी लोग आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, तो ऐसा कोई मौका आएगा जहाँ पे? बहुत जल्दी वो भी आने वाला है, जैसे काफ़ी चीज़ें चलती रहती है पाइपलाइन में, तो जब होएगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे, लेकिन हाँ चीज़ें चल रही हैं और लेट्स सी, हो सकता है, हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, एक दो महीने में कुछ पहले आपको नहीं। अच्छा, इसके अलावा आप दोनों से एक थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा, अभिनंदन जो है हमारे घर लौटने वाले, भारत लौटने वाले हैं, तो आप लोग कितने खुश हैं इस चीज़? बहुत खुशी की बात है और हम 3-4 दिनों से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश पाकिस्तान उनको वापस भेज दे, और हम चाह रहे थे, हम सब यही होप कर रहे थे, और पाकिस्तान ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है, तो हम लोग अब आई थिंक पीस की तरफ जा रहे हैं, तो वही हम लोग चाहते हैं, वॉर तो कोई भी नहीं चाहता। तो यार सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ दैट आई बिलोंग टू दिस नेशन एंड यहाँ ऐसे लोग हैं, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्हें लगी हुई थी, उनका फेस खून में था जो हमने वीडियोस एंड इमेजेस देखी थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैड द करेज टू से दैट यू नो आई कैन नॉट आंसर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता था, दे कुड हैव डन एनीथिंग, ही हैड अ फैमिली, ही हैड यू नो सो मेनी पीपल बिहाइंड हिम, बट ही डिड नॉट थिंक अबाउट दैट एंड ही थॉट ऑफ हिज नेशन। जय हिंद, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, थैंक यू।